देसी फीड से ऐसा फार्मूला तैयार कि जिससे आपकी मुर्गी कभी भी अंडा देना बंद नहीं होगी आप लोगों को ये देसी फीड ये जो अजाए तरकीब है वो कितने कितने अज़ा लेने दस के जी तक आप लोग फीड होम तक घरों के अंदर कैसे कर सकते हैं जो दोस्त घर में मुर्गमानी करते हैं जब तक जिसमें विटामिन फाइबर आयरन कैल्शियम और विटामिन ए डी सी ये सारे विटामिन मौजूद हों कैसे तैयार करनी है आप लोगों ने और उसके लिए ज़ाय तरकीब क्या क्या है लेकिन इससे पहले अगर आप दोस्त चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें जी बी सबसे पहले आप लोग को बताऊं कि जो आपके पास मीज़ है यानी कि जो मकई है वो आपने लेनी है साढ़े आठ सौ जो आपके पास के जी है ठीक है ये फाइबर का कार्बोहाइड्रेट्स का कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे बड़ा फो सोर्स है फीड के अंदर भी सबसे ज़्यादा जय की जो यही इस्तेमाल की जाती है वही चीज़ें वही कैलरीज वही विटामिन वही कैल्शियम पूरा करेंगे लेकिन इसको देसी तरीके के साथ हम आप आज आपको बताएंगे अच्छा इसके बाद आप लोग लेंगे जनाब पीनट यानी कि जो आपके पास मूंगफली है इसके बीच लेंगे वो आपने सौ ग्राम सिर्फ लेने ठीक है, है ये आपके पास रेशे का कार फाइबर का मतलब मुर्गी का निज़ाम अम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा रखती है इसके बाद आप लोगों ने लेनी है गंदम गंदम जो है आप लोगों ने जो लेनी है वो गंदम आप लोगों ने दो के तक इसमें या आप लोग डेढ़ के जी पे ले लें डेढ़ के जी मतलब एक वन पॉइंट फाइव के जी आप लोग ले लें और इसको अगर आप पिसवा सकते हैं अच्छा तो वो भी कर लें नहीं तो बॉयल कर लें इसके बाद आप लोगों को दाल लोबिया काले चने ठीक है ये दोनों जो है फाइबर से और विटामिन से भरपूर आप लोगों के पास ये जो है प्रोडक्ट है इसके बाद आप लोगों ने लेनी है कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत बड़ा सोर्स 200 ग्राम आपने मटर के बीज लेने मटर के बीज के अंदर कैल्शियम भी होता है इसमें विटामिनस और मिनरल्स आपके पास मुर्गियों और चूज़ों के और अंडे देने वाली मुर्गियों के हो सकता है लाइक टारगेट वन हंड्रेड है इसके बाद आप लोगों ने लेने तिल तिल आप लोगों ने पचास ग्राम लेने इसमें भी कैल्शियम आपके पास मौजूद है फाइबर है और आपके जो है ना चूज़ों का वो अम्यून सिस्टम बेहतर है इसके बाद आप लोगों ने ले लिया जेवी जेवी के, जैवी। जैवी के जो बीज है ये आपने डेढ़ सौ ग्राम लेने हैं ये भी आप लोगों के पास दिल के अमराज के लिए अम्यून सिस्टम को बेहतर रखने के लिए इसके बाद आप लोगों को बताते चले कि खल की जो वो उसकी गंदम की जो चोखर होती है ये आप लोगों ने लेनी है और वो भी आपने 200 ग्राम ठीक है और ये 200 ग्राम जब आप लेंगे तो ये कोई इतनी महंगा आपका प्रोडक्ट नहीं है आप तकरीबन जो है छः पाँच सौ से छः सौ ग्राम के दरमियान ये सारे प्रोडक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे ठीक है जब आपने मिलने अगर आपके पास कोई करीब तरीन चक्की है तो वहाँ से आप पिसवा के इसको इस्तेमाल कर लें नहीं तो दस के जी आपने होम के लिए करने है इसको आप लोगों ने जनाब अपने ग्राइंडर के अंदर दालें आपने बॉयल कर लेनी है मकई भी बॉयल कर लेनी है बाकी चीज़ों को भी अपने ग्राइंड करके अच्छी तरह से मिक्स करके अपने पास रख लेना और डेली बेसिस पे मुर्गियों को देना है और इसके साथ अगर आप अंडे देने वाली मुर्गी है तो उसके लिए डी पाउडर सस्ता सा मिल जाता है पचास सौ रुपये का आपको किसी भी वेटनरी स्टोर से वहाँ से ले लें तो ये आप दें जनाब अपनी मुर्गियों को पिसवा के रख लें और ये दस के का बैग आप लोगों को पाँच छः सौ आम ही दाने की तरह ये जो है ये बैग मिल जाएगा लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं इसमें आप कुछ आटमें और मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं सनफ्लावर सीड्स ये आटमें जो है ये इससे आपकी मुर्गी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी उसके जो है वो अच्छे रिज़ल्ट आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए